नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। राजस्थान के सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है। देख सकते हैं आप, कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश, वार्षिक वेतन बढ़ोतरी पर संकट टला। अचल संपत्ति की जानकारी नहीं देने वाले 2.80 लाख कर्मचारियों को राहत अब 31 जुलाई तक दे सकेंगे आप इसके अंदर जानकारी। यानी दोस्तों, आपकी जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है, 31 जुलाई इसमें कर दी गई है। पूरी जानकारी देख रहे थे दोस्तों चैनल पर, नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपनी अचल संपत्ति का विवरण नहीं देने वाले कर्मचारियों को सरकार ने राहत दी है। अब IPR भरने की तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। कार्मिक विभाग ने अंतिम तिथि बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब अचल संपत्ति का विवरण नहीं भर पाने वाले कर्मचारियों की वार्षिक वेतन बढ़ोतरी पर आया संकट फिलहाल टल गया है। पहले राजकाज पोर्टल पर IPR ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। इस तिथि तक प्रदेश में 2.80 लाख कर्मचारियों ने अपनी अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर नहीं भर पाए थे। ऐसे कर्मचारियों की सालाना वेतन बढ़ोतरी रोकने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। कर्मचारियों को इस पीड़ा को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से उठाया। भास्कर ने 6 जुलाई के अंक में अचल संपत्ति का विवरण नहीं भर पाए 2.80 लाख कर्मचारियों अब सालाना वेतन बढ़ोतरी पर संकट शीर्षक से खबर प्रकाशित कर बताया कि सरकार अगर IPR भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दे तो कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। सरकार ने इस तिथि को बढ़ाकर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अखिल राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा ने हम भी लगातार सरकार से IPR राजकाज पर ऑनलाइन भरने की तिथि को फिर से खोलने की मांग कर रहे थे। तो दोस्तों, अभी जो ये जो अचल संपत्ति विवरण यानी कि IPR भरा जाता है दोस्तों, इसकी जो अंतिम तिथि थी वो 31 मार्च थी। अब इसको लगातार प्रयासों से जो इसमें सरकारी कर्मचारी परेशान हो रहे थे और उनका IPR नहीं भरा गया था, तो अब आपके पास एक महीने यानी कि 31 जुलाई तक का समय है। आज 10 जुलाई है, लगभग 20 दिन आपको इसके अंदर और मिल गए। तो दोस्तों, अचल संपत्ति विवरण भरने के लिए IPR भरने के लिए आपको और समय दे दिया गया है। इसमें दैनिक भास्कर की तरफ से भी काफ़ी प्रयास किया गया और सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत इसके अंदर मिली है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के जो सरकारी कर्मचारियों से रिलेटेड वीडियो है वो हम आपको इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।